उन्नाव से खबर है जहां देश में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के 6 कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लखनऊ के मड़ियाव थाने में सोमवार देर रात FIR दर्ज की गई है। सुल्तानपुर के एक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर को मोबाइल पर मैसेज कर लखनऊ के अलीगंज दर्ज FIR के मुताबिक गोंडा के नवाबगंज सहित कर्नाटक में भी 4 जगह पर स्थित RSS कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं एहतियात के तौर पर उन्नाव पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। उन्नाव मुख्यालय में स्थित RSS कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्नाव के नवाबगंज में RSS का कार्यालय नहीं है। आपको बता दें कि मड़ियाव पुलिस के मुताबिक प्रोफेसर ने FIR दर्ज कराई है कि 2 दिन पहले एक शख्स ने उन्हें मैसेज कर धमकी दी। धमकी देने वाले के मामले में लखनऊ के मड़ियाव कोतवाली में मैसेज भेजने वाले के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ATS और अन्य खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में 3 अलग अलग भाषाओं में धमकी दी गई है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा का उपयोग किया गया है। वह धमकी वाला चैट व नवाबगंज का जिक्र है। FIR में उन्नाव के नवाबगंज की बात सामने आने के बाद SP उन्नाव दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि एक मैसेज चल रहा है। जब उनके विषय में छानबीन की गई, उन्नाव के नवाबगंज में RSS का कोई कार्यालय नहीं है, वह यहां का प्रकरण नहीं है। एक मैसेज चल रहा था, लेकिन जब उसके विषय में छानबीन की गई तो उन्नाव में के नवाबगंज में RSS का कोई कार्यालय नहीं है और यहां का प्रकरण नहीं है।